इवेन हमारा अपना भाई भी अगर होगा तो जब तक वो पार्टी के प्राथमिक और सक्रिय सदस्य नहीं होंगे और कम से कम उनको 2 साल संगठन में देना होगा, उसके बाद ही हमारे वो उम्मीदवार बनेंगे। किसी जाति के हम हमारी जाति एक है, वो युवा। और अब जाति पाति नहीं चलेगा, आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि तोड़ दीजिए ना इस जाति बंधन को। आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं, सभी तो समान कार्य कर रहे हैं, क्यों कोई आगे कोई पीछे, तो जाति के आधार पे तो नहीं है, तो फिर जाति क्या? कुछ नहीं, ईश्वर ने एक जाति बनाई हुआ मानवता है और जिसे हम आत्मसात करते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। सबसे पहले आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित यहाँ हमारे संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं और आप सभी मीडिया बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं आप सबों को आज इसलिए बुलाया हूँ कि जैसा आप सभी जानते हैं कि 16 अक्टूबर 2023 को हमने अपनी पार्टी का गठन की घोषणा की थी होटल मौर्या से। उसके बाद आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। दल तो हमारा छोटा है, लोग भी हम लोग छोटे हैं, बहुत कोई बड़ा राजनीतिक घराना नहीं है, कुछ बड़ा आर्थिक साम्राज्य नहीं है, लेकिन हम लोग कर्मबली अवश्य हैं, धनबली नहीं है, लेकिन कर्म पे भरोसा रखते हैं। और हम संगठन में पूर्व से काम किए हैं और हमारे जितने भी साथी यहाँ हैं, जैसे निरंजन सिंह चौहान जी हैं, ये संजय कुमार सिंह जी हैं, ये भोला सिंह जी हैं, वो अमित कुमार सिंह जी हैं, वो शुक्ला साहब हैं, राजकिशोर शुक्ला जी हैं, तो ये सभी लोग संगठन में बहुत महत्वपूर्ण दायित्व तो पूर्व में भी निभा चुके हैं। तो आज हम इस प्रेस के माध्यम से, चूँकि पार्टी का विस्तार हम सिर्फ बिहार की पार्टी बनाकर नहीं रखना चाहते हैं, इसको हम देश के कोने कोने में ले जाएंगे। लोग जो समझना है, जिनको जो समझना है समझें, नहीं रुकेंगे, नहीं थकेंगे, चलते रहेंगे हम, हमारा यही नारा है। ना हमारे आड़े कोई शासन आएगा, ना हमारे आड़े हाथ कोई संसाधन आएगा, जैसे सबका काम चलता है वैसे मेरा होगा। हम जनता पे भरोसा करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा करते हैं। उसी के तहत हमने 8 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष की नॉमिनेशन किए हैं, घोषणा करने जा रहे हैं आज। और बिहार में हमने एक नया प्रयोग किया है, क्योंकि बिहार हमारा गढ़ है, गढ़ हमारी जन्मभूमि है, तो यहाँ बदलना सबसे पहले ज़रूरत हमको महसूस हो रही है, क्योंकि अन्य प्रदेश तो डेवलप हैं लेकिन बिहार को बदलना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ नए युवाओं को संगठन में लाना, नए युवाओं का सरकार हो, सारे युवा सरकार में आए, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब नहीं चलेगा वो पुराना मेथड, पुराना धंधा नहीं चलेगा। इसके लिए हमने बिहार को 4 भागों में विभक्त किया है, क्योंकि वर्तमान में किसी भी दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारा यह दावा है, आप उनसे पूछिए कि क्या उन्हें पता है कि बिहार जहाँ से प्रारंभ होता है, उत्तर प्रदेश के सीमा से पश्चिम में, वहाँ का अंतिम गांव कौन सा है? क्या उन्हें यह पता है कि बिहार के पूर्व में अंतिम गांव कौन सा है, दक्षिण में अंतिम गांव कौन सा है और उत्तर में कौन सा है? तो ये सारे लोग सिर्फ पन्ना प्रमुख बनाते हैं, जो विगत चुनाव में आप उनका हश्र देख चुके हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों का। लेकिन हमने इसीलिए 4 भागों में विभक्त करके संगठन अध्यक्ष उत्तर बिहार, संगठन अध्यक्ष दक्षिण बिहार, संगठन अध्यक्ष पूर्व और संगठन अध्यक्ष पश्चिम बिहार बनाए, और एक संगठन प्रभारी को हमने यहाँ, और एक सह प्रभारी की नियुक्ति हमने यहाँ की है, ताकि संगठन को गांव-गांव बूथ लेवल तक ले जाना है। वैसे साथियों को नहीं जोड़ना है जो सिर्फ गाड़ी में झंडा लगाकर चलते हैं, हमें वैसे साथियों को जोड़ना है जो जन समस्याओं का निराकरण करें और जनता की आवाज़ बने। तो उसके तहत हमने दिल्ली प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल गुप्ता जी को हमने बनाया है, राजस्थान में श्री उज्ज्वल सिंह शेखावत जी को हमने राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, हिमाचल प्रदेश में श्रीमती प्रतिमा सिंह पठानिया को हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उत्तराखंड में श्री शांतनु सिंह बिष्ट को, जिस ये से योगी जी भी आते हैं तो ऐसा नहीं है, वो अलग हैं और वो युवा हैं और काफ़ी दमदार हैं, मध्य प्रदेश में हमने महेंद्र सिंह चौहान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है,
छत्तीसगढ़ में हमने अभिषेक सिंह जी को प्रधान ये प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। असम में जहाँ पे चूंकि हम जदयू में पूर्व में रहे हैं तो हमको अनुभव है पूर्वोत्तर का, वहाँ पार्टी जीतते रही है। आप ऊपर वाले की कृपा, आप सबों का सहयोग रहेगा, जनता का आशीर्वाद होगा तो युवा समृद्धि दल भी वहाँ अपने विधायक दो प्रदेशों में कम से कम जीत कर अवश्य दिखाएगी। तो असम में हमने श्री विपुल कुमार महंता, श्री विपुल कुमार महंता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अरुणाचल प्रदेश में श्री लोम्बो तायोंग खांडू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और बिहार में हमने संगठन प्रभारी श्री केवी सिंह जी को बनाया है, जो अभी यहाँ नहीं है, किसी कारण से वो अभी दिल्ली में है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के वो लॉयर हैं तो उनकी व्यस्तता रहती है, लेकिन वो हमारे संगठन प्रभारी यहाँ रहेंगे। बिहार के संगठन सह प्रभारी श्री अमित कुमार सिंह भोजपुर के हैं, वो ये हैं। उत्तर बिहार के जो संगठन अध्यक्ष हैं निरंजन सिंह चौहान, ये हैं। और दक्षिण बिहार के जो हमारे संगठन अध्यक्ष हैं श्री संजय कुमार सिंह, ये हमारे बगल में हैं। मध्य बिहार के जो संगठन अध्यक्ष हैं श्री भोला सिंह, ये हमारे बगल में हैं। तो ये सारे साथियों का स्वागत हम माला पहनाकर कर रहे हैं और विश्वास करते हैं कि ये जितने भी हमारे साथी हैं ये सभी, और मुख्यालय प्रभारी हमारे राजकिशोर शुक्ला जी हैं, और ये हमारे गोपाल झा जी सीतामढ़ी जिला से जिला संयोजक थे, अभी पुनः ये जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे। तो हम इन्हीं चीज़ों के लिए आप सबों को आमंत्रित किए थे कि इसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाइए। और हम आग्रह करना चाहेंगे प्रदेश के युवाओं से, सभी लोगों से, कि आप पार्टी से जुड़िए। अब वंशवाद को मत देखिए, परिवारवाद को मत देखिए, एक बार मौका दीजिए, सबों को दिया है हमें भी दीजिए, निराश होने का मौका नहीं देंगे। अब आप सबों का जो प्रश्न है आप ले सकते हैं। क्या आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में कई पार्टियां और हैं, प्रशांत किशोर ने भी घोषणा किया है, कल मुख्यमंत्री जी का भी जो है कार्यकारिणी का बैठक है, तो ऐसे में कैसे सर्वाइव कर पाइएगा? बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टी, बड़ी बड़ी हाथी जैसी पार्टियां हैं, और अभी आप जो है एक तरह से मतलब आपका ऊपर छी हुआ, कैसे सर्वाइव कर पाइएगा? बहुत सुंदर, समुद्र में बड़ी बड़ी नावें, बड़ी बड़ी जहाजें चलती है, क्या छोटी नावें नहीं चल रही हैं? छोटा बोट नहीं चल रहा है? जो बच्चा आज जन्म ले रहा है क्या वो मर जा रहा है? वही तो बड़ा होकर आगे कुछ बनता है, वही तो देश का भविष्य है। और अब इन लोगों का क्या है, 29-30 में नजर नहीं आएंगे? बिहार की राजनीति करवट ले चुकी है, 29-30 में बिहार में पॉलिटिकल वैकेंसी है, अब इनके जगह को हम भरेंगे। बिल्कुल, प्रशांत किशोर के साथ किसी तरह का समझौता नहीं, नहीं, हम समझौता किसी से नहीं करेंगे। हम सीधा जानते हैं, जो देश के विकास की बात करें, जो बिहार के उत्थान की बात करेंगे, हम उन्हीं के साथ हैं, चाहे वो कोई हो। बिहार में नीट के एक बात हम कई दिनों से लगातार उठा रहे हैं कि सबसे पहले तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और फिर ये CBI जांच आप करते रहो ना यार, CBI जांच कौन मना करता है? दोषियों को फांसी चढ़ा दो, हम तो यह कहते हैं, हमारी यह मांग है कि फांसी के कानून को आप रिवाइव कीजिए और फांसी चढ़ाइए। लेकिन ये रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं एग्जाम को? किसको बचाना है? कौन है किंग पिन जिसको बचाने की साजिश चल रही है? वो 24 लाख परीक्षार्थी में, आप इस बात को समझिए कि एक माफिया 30-30, 35-35 को रटवाया, न जाने कितने हजारों को रटवा दिया होगा, तो उतने तो मेरिट वाले स्टूडेंट चले गए ना इस फील्ड से, तो फिर इस परीक्षा को तो देने देर रद्द करना चाहिए। और हमारी पुरजोर मांग है और लगातार हम विरोध करते रहेंगे कि भाई आप इसका रद्द कीजिए एग्जाम को। हर एक प्रदेश में लड़ेंगे या सिर्फ बिहार में लड़ेंगे? नहीं, लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो चुका है, आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो जिन जिन प्रदेशों में हमारा संगठन है उन प्रदेशों में अवश्य लड़ेंगे और मजबूती से। बिहार में कितने सीटों पर लड़ेंगे? जी 243। हम गठबंधन वाले नहीं हैं और हम सत्ता की दलाली नहीं करेंगे, हमारा ये बात रिकॉर्ड पर रख लीजिएगा। हम जनता से हमेशा हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हक दीजिए, ताकत दीजिए तो पूरी दीजिए, अन्यथा सत्ता का दलाल मत बनाइए, ताकि हम यहाँ आपके मत से जीत कर जाएं और ठीक विपरीत गठबंधन में चले जाएं हम अपने कुर्सी के लिए, तो वैसा हम नहीं करेंगे। ये नहीं कि युवा समृद्धि दल है तो युवाओं को ही सिर्फ मौका मिलेगा या फिर नहीं? आप देख रहे हैं ना, युवा के साथ साथ अनुभव भी हमारे साथ शामिल है। आप देखिए, निरंजन जी हैं, संजय जी हैं, भोला बाबू हैं, किशोर, तो युवा अनुभव भी जरूरी है, लेकिन युवाओं को अत्यधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा इस दल में। कई पार्टियां बनती है चुनाव, क्या हो ऐसा? तो कुछ ऊपर वाले से यही आशा मनाइए कि आपकी वाणी ये सत्य ना हो,
हम विलुप्त होने वाले प्राणी नहीं है, ना जाने कितनों को विलुप्त कर देंगे। लिख लीजिए। अच्छा, कई बार ऐसा देखा गया है कि जी पार्टियां बन जाती हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो दूसरे दल वाले को बुलाकर टिकट दे दिया जाता है, अपने दल वाले को उतना भाव नहीं दिया जाता जितना अन्य समय में संघर्षों के समय में दिया जाता। बिल्कुल, बहुत 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 सुंदर प्रश्न है। मैं आप सबों के माध्यम से यह क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे दल में इवेन हमारा अपना भाई भी अगर होगा तो जब तक वो पार्टी के प्राथमिक और सक्रिय सदस्य नहीं होंगे और कम से कम उनको 2 साल संगठन में देना होगा, उसके बाद ही हमारे वो उम्मीदवार बनेंगे। अच्छा, यहाँ धन की आवश्यकता नहीं। बिहार में जाति को लेकर के लोग बड़ा मतलब तनाव होते हैं अपने अपने जाति के तरफ, युवा समृद्धि दल किस जाति का समर्थन? हम सर्व किसी जाति के नहीं, हमारी जाति एक है वो युवा। और अब जाति पाति नहीं चलेगा, आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि तोड़ दीजिए ना इस जाति बंधन को। आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं, सभी तो समान कार्य कर रहे हैं, क्यों कोई आगे कोई पीछे? तो जाति के आधार पे तो नहीं है, तो फिर जाति क्या? कुछ नहीं, ईश्वर ने एक जाति बनाई हुआ मानवता है और जिसे हम आत्मसात करते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।